Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. In previous lecture, we discussed about the oxidation number. What is oxidation number? How can you calculate that? And some rules for to calculate the oxidation number. Okay. Today in this lecture, we are going to see the oxidation number of some important compound. Oxidation number of some important compound. Okay, चलो एक क्वेश्चन के साथ हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सपोज यू विल आस्क इन अ क्वेश्चन एग्जाम दैट द ऑक्सीडेशन नंबर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5 is, okay, and this. The options are given that plus 8, B, minus 8, C, plus 6, and D, plus 4. Okay, equation diya gaya hai. You have to calculate the oxidation number of H2SO5. सल्फर इन H2SO5, मतलब एक कंपाउंड गिवन है, उस कंपाउंड में हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर. चलो तो यहाँ पे हमें दिया गया है H2SO5, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है उसे x सपोज कर लो. सो वी विल गेट दैट 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 5 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो इक्वल टू हो जाएगा 0. ओके, चलो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, प्लस 1, क्योंकि वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है. सल्फर का हमने सपोज कर लिया x, 5 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, सो इट विल बी 0. नाउ 2 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0. So you will get x minus 8 equal to 0 and x equal to plus 8. Okay, आपका आंसर आ गया plus 8. So आप यहाँ पे कर दोगे टिक plus 8. Option is given plus 8. So obvious है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहाँ पे कितना कर दोगे, plus 8. But अगर आपने plus 8 यहाँ पे किया तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग. पता है क्यों? क्योंकि सल्फर कभी भी मैक्सिमम 6 के ऊपर जा ही नहीं सकता. उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं, 6 है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हो सकता है, मैक्सिमम प्लस 6 हो सकता है. प्लस 8 कभी भी किसी भी एलिमेंट का नहीं आएगा. प्लस 8 ऑक्सीडेशन स्टेट और मोर देन प्लस 8 कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा. ओके, मतलब यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने काउंट किया है वो रॉन्ग है. नहीं, यहाँ पे प्रोसीजर तो सब बिल्कुल सही है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो उसका रीजन है, बिकॉज उसका रीजन आपको उसके स्ट्रक्चर से पता चलेगा. ओके, चलो तो हम पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. तो जो H2SO5 है उसका स्ट्रक्चर होता है ये S. ओके, उसके पास क्या है, H2SO5, द डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O H, और दूसरा जो O H है वो ऐसे होता है एज अ O सिंगल बॉन्ड O. ओके, और ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है O सिंगल बॉन्ड O वाला, वो है हमारा परोक्साइड बॉन्ड. ये क्या है, परोक्साइड लिंकेज है. एंड वी स्टडी दैट के जब भी हम परोक्साइड लेते हैं तब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 की जगह क्या होता है, -1 होता है. ओके, जबकि हमने तो जब कैलकुलेशन की तो सारे के सारे ऑक्सीजन को क्या कंसीडर किया, -2, लेकिन यहाँ पे तो दो ऑक्सीजन परोक्साइड लिंकेज से जुड़े हैं, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा, -1. मतलब कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड है, ओके, कि जहां पे आप इस मेथड के थ्रू अगर ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करते हो तो वो गलत आ सकता है.
ये मेथड ही हम यूज करेंगे, ओके। इसमें कुछ गलत नहीं है, बट कभी कभी स्ट्रक्चर में जब परोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होती है, इन दैट केस हमें स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। एक्चुअली स्ट्रक्चर से अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हो तो वो कभी भी गलत नहीं होगा, लेकिन हर एक टाइम पे यू डिडंट नो द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल कंपाउंड्स, ओके। इन दैट केस आपके लिए वो जो मेथड है ये वाली, वही बेनिफिशियल है। यू कैन इजीली कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर बाय दिस मेथड, ओके। बट जब आपको लगे कि ये ऑक्सीडेशन नंबर कुछ गलत आ रहा है, इन दैट केस यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, ओके। और डोंट वरी, आपके लिए आपके इस लेवल पे जितने भी ऐसे कंपाउंड पॉसिबल है जिसके स्ट्रक्चर थ्रू आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं, मैं आपको बता दूंगी वो सारे, ओके। और आपको एक बार वो सारे हो गए ना याद, तो एंड यू कैन इजीली आप खुद से भी जज कर पाओगे कि देखो यहाँ पे प्लस सिक्स आ रहा है, जबकि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैक्सिमम कितना होता है, प्लस सिक्स, ओके। यहाँ पे प्लस एट आया और मैक्सिमम होता है प्लस सिक्स, तो मतलब यहाँ पे एक परोक्साइड लिंकेज होगी, क्योंकि दो का डिफरेंस है, तो यहाँ पे एक और एक दोनों में से एक एक घटा दो तो यू विल गेट द प्लस सिक्स, ओके। तो ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। नाउ यहाँ से हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आता है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा और इसका हो जाएगा प्लस टू। यहाँ पे दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, तो माइनस वन इसके साथ, प्लस वन इसके साथ, माइनस वन और ये प्लस वन, ओके। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसका माइनस टू, इसका प्लस टू। माइनस इसे क्यों दे रहे हैं? बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, ओके। वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। नाउ यहाँ पे देखो, तो ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसका माइनस वन, इसका प्लस वन। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वन है बॉन्ड, तो ये, और दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो उसके लिए हो जाएगा जीरो जीरो। देखा, तो मतलब यहाँ पे के जितने भी ऑक्सीजन है इसमें से तीन ऑक्सीजन के माइनस टू है, जबकि दो के माइनस वन है, लेकिन हमने फाइव के फाइव ऑक्सीजन के माइनस टू कंसिडर किए थे, उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। चलो अब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करो, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? तो देखो प्लस वन, प्लस टू, प्लस वन एंड प्लस टू, तो हो जाएगा वन थ्री फोर फाइव सिक्स, हो जाएगा प्लस सिक्स। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एच टू एस ओ फाइव इज इक्वल टू प्लस सिक्स, ओके। चलो इसी को आपने स्ट्रक्चर के थ्रू तो काउंट कर लिया। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है, इन दैट केस आप क्या करोगे? तो देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है उसमें प्लस एट है, तो आप एक चीज कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली अज्यूम दैट कि वहां पे कोई परोक्साइड लिंकेज है। परोक्साइड लिंकेज के लिए हमें मिनिमम दो ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करो तो यहाँ पे यू कैन राइट दैट 2H plus S plus 3 ऑक्सीजन plus 2 ऑक्सीजन को अलग कर दो। क्यों? क्योंकि इसका हम परोक्साइड लिंकेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू प्लस वन प्लस एक्स प्लस 3 इंटू माइनस टू प्लस, ये दो जो ऑक्सीजन है उसके हमें माइनस वन चार्ज लेना है। क्यों? क्योंकि परोक्साइड लिंकेज हमें यहाँ पे कंसिडर करनी है। चलो अब देखो, तो 2 प्लस एक्स माइनस सिक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये टू और ये टू कैंसल आउट, दैट फॉर एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स। आई बात समझ में? तो ये आपका राइट आंसर है, ओके। ये क्या है आपका राइट आंसर? एक्स इक्वल टू प्लस सिक्स। अगर यहाँ पे आपका एक्स इक्वल टू प्लस टेन आ जाता तो आपको यहाँ पे पांच में से चार ऑक्सीजन को एज अ परोक्साइड लेना पड़ता, ओके। अगर चार ऑक्सीजन को आप परोक्साइड लेते तो आपका आंसर जो भी आता वो आपका राइट आंसर होगा, ओके। मतलब प्लस सिक्स से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि जो एलिमेंट है उसके लिए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगा? तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P block element equal to
ग्रुप नंबर, माइनस 10। ओके, आपको क्या करना है, ग्रुप नंबर माइनस 10 करना है अगर आप सल्फर की बात कर रहे हो। ओके, मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, तो उसका ग्रुप नंबर है 16th ग्रुप, माइनस 10, तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 आएगा। ओके, अगर आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन, किसी भी हैलोजन की बात कर रहे हो एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्योंकि वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज माइनस 1 ही आएगा। तो एक्सेप्ट फ्लोरीन, आप किसी भी हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना चाहते हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो 17th ग्रुप में प्रेजेंट है, तो माइनस 10 वो हो जाएगा प्लस 7। ओके, उसी तरह से नाइट्रोजन का अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 15th ग्रुप का मेंबर है, तो 15th ग्रुप माइनस 10 तो हो जाएगा प्लस 5। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर है उससे ज्यादा जब जाता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर बाय दिस कैलकुलेशन, तो आप उसमें परोक्साइड लिंकेज डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हो। सबसे बेस्ट वे है, आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। ओके, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है तो यू कैन अज्यूम द परोक्साइड लिंकेज और फिर से आप कैलकुलेशन कैच इट आउट कर सकते हो। ओके, वैसे भी मैं इस लेक्चर में आपको कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है वो बताने वाली हूँ कि जिसके ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करने आने चाहिए। ओके, और आपको याद भी रखने हैं क्योंकि एक्सेप्शन है। तो दूसरा हम देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है वो है CrO5। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन Cr2O5। चलो, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो Cr का x सपोज कर लो, 5 × −2 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x − 10 इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू प्लस 10। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 7 ही हो सकता है, किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 7 हो सकता है, प्लस 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब कि ये जो हमने कैलकुलेट किया उसमें कुछ ना कुछ गलती है। ओके, कुछ ना कुछ गलत है वहां पे। क्या गलत है वो देखते हैं, उसके लिए उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो जो CrO5 है उसका स्ट्रक्चर होता है Cr डबल बॉन्ड O, 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 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है इसका CrO5 का। ओके, यहाँ पे आप देखते हैं तो देखो, इसका −2, इसका +2, ये दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो −1, यहाँ पे +1, यहाँ पे भी −1, +1, −1, +1, −1, +1। अब कैलकुलेट करो तो देखो कौन कौन से आए, −1, +2, +1, +1, +1, +1, +2, +1, +1, +1 हो गया 3, 4, 5, 6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, +6। ओके, चलो, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं पता है और आप इस तरह से उसका स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको यहाँ पे क्या करना है, परोक्साइड लिंकेज अज्यूम कर लेनी है। ओके, परोक्साइड लिंकेज अज्यूम करने पे क्या होगा, तो x प्लस 3 ऑक्सीजन यहाँ पे रह जाएंगे, यहाँ पे −2 और 2 ऑक्सीजन होंगे जिसका −1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x −6 − 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x −8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +8। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू +8 आ गया, लेकिन ये भी तो रॉन्ग है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का +7 हो सकता है, उससे ज्यादा किसी भी एलिमेंट का नहीं हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे एक परोक्साइड लिंकेज नहीं है लेकिन 2 परोक्साइड लिंकेज होनी चाहिए, 2 परोक्साइड लिंकेज के लिए 4 ऑक्सीजन चाहिए। तो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो x प्लस 1 यहाँ से और 2 जो हमारा ऑक्सीजन है उसमें परोक्साइड लिंकेज ले लो, तो एक ही ऑक्सीजन होगा जिसकी −2 चार्ज होगा,
बाकी के फोर ऑक्सीजन पहले से दो थे और दूसरे दो में भी परऑक्साइड लिंकेज होनी चाहिए, तो -1 = 0। अब यहाँ पे देखो x -2 - 4 = 0, x - 6 = 0, तो x = +6, तो आ गया आपका आंसर। ओके, तो आप ऐसे अज्यूम करके भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन बेस्ट पे है आप उसके स्ट्रक्चर याद रखो। वैसे भी इतने ज्यादा कंपाउंड नहीं है जिसके आपको स्ट्रक्चर याद रखने हैं, तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद रह जाता है तो इट्स गुड, यू कैन इजीली कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, तो जो CrO5 है उसमें Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा इन CrO5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6। ओके, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। चलो एक और कंपाउंड ले लेते हैं हम। हमारे पास सपोज है CaOCl2। ओके, CaOCl2 है। अगर CaOCl2 है तो उसमें हमें Cl का ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करना है नंबर। चलो हमारी रेगुलर मेथड देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो Ca का +2 क्योंकि सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, ऑक्सीजन का -2 और +2 क्लोरीन जिसका x हमने सपोज कर लिया। अब ये +-0 हो गया, तो 2x = 0 एंड x = 0, तो हमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिला? 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 0, जो कि रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। तो उसका ओरिजिनल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये जो CaOCl2 है वो किस तरह से होता है? तो CaOCl2 CaOCl एंड Cl के फॉर्म में होता है। ओके, OCl एंड Cl के फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखो एक्चुअली ये क्या है, तो एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि क्लोरीन कैल्शियम है, तो वो क्या करेगा? आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो वो कुछ इस तरह से आएगा हमारा Ca, उसके साथ OCl और उसके साथ Cl। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो OCl में भी मैं एक बॉन्ड बना देती हूँ, CaOCl एंड Cl, ना C। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके साथ आ है? क्लोरीन की, मतलब क्लोरीन के पास आ जाएगा चार्ज -1, इसके पास आ जाएगा +1। यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा +1। मतलब देखो जो हमारा कैल्शियम था उसका +2 चार्ज हो गया, ये +2 चार्ज हो गया। ओके, बट यहाँ पे ऑक्सीजन, अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इसके साथ है, एक बॉन्ड इसके साथ है। ऑक्सीजन एंड क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसे -1 मिलेगा, इसे +1 मिलेगा। ओके, अब देखो तो यहाँ पे -1, ये भी -1, तो ऑक्सीजन का भी -2 चार्ज क्या हो गया? तो हो गया कन्फर्म यहाँ पे। लेकिन अगर आप देखो क्लोरीन का, तो इस क्लोरीन का चार्ज आया -1, इस क्लोरीन का चार्ज क्या आया? -1, इस क्लोरीन का चार्ज आएगा +1। सही है, एक क्लोरीन का चार्ज आएगा -1, एक क्लोरीन का चार्ज आएगा +1। हमने उस ऑक्सीडेशन नंबर लास्ट लेक्चर में देखा था, तभी मैंने आपको बताया था कि ये चीज भी पॉसिबल है कि कोई एक ही कंपाउंड में कोई एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ओके, मतलब ये जो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है वो और कुछ नहीं है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl है। ओके, क्योंकि अगर आप Cl का एवरेज देखोगे तो -1 + 1 हो जाएगा 0। ओके, मतलब इस कैलकुलेशन से जो हमें मिला वो क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन इस कंपाउंड में एक Cl का है, एक्चुअल में एक Cl का -1 है और एक Cl का +1 है। ओके, आई बात समझ में? एक और कंपाउंड लेते हैं हम। सपोज हमारे पास है Fe3O4। ओके, चलो उसमें हमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 3x जिसका फाइंड आउट करना है उसे x सपोज कर लो, +4
इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो हो जाएगा थ्री एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, दैरफॉर थ्री एक्स इक्वल टू एट एंड x इक्वल टू एट बाय थ्री। ओके, ये तो फ्रैक्शन हो गया। हमने बोला था फ्रैक्शन पॉसिबल है, लेकिन ऐसे फ्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है वो क्या है, नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन है। तब उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ये जो Fe3O4 है, इट इज अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ FeO इंटू Fe2O3। Fe3O4 किससे बनता है? तो उसमें एक प्रेजेंट होता है FeO फेरस ऑक्साइड और दूसरा प्रेजेंट होता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ओके, एक फेरस ऑक्साइड है, एक फेरिक ऑक्साइड है। मतलब यहाँ पे जो हमारा Fe है वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में है। एक FeO का है, फेरस का है, और दो Fe2O3 के है। चलो अब इसके लिए इंडिविजुअली हम फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे x प्लस ये माइनस टू इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस टू। मतलब कि जो Fe3O4 है उसमें से एक Fe ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस टू है। ओके, चलो दूसरे Fe की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो Fe, तो 2x प्लस 3 इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो, 2x माइनस 6 इक्वल टू जीरो, 2x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इक्वल टू 6 बाय 2, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस 3। सही है, x इक्वल टू प्लस 3 आया। मतलब ये जो दो Fe है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए, प्लस 3। तो देखो प्लस 3 प्लस 3 दो बार, ओके, तो प्लस 6 प्लस 8 8 बाय 3। तो ये जो है x वो क्या है, इट इज नथिंग बट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। ओके, ये क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe है। लेकिन जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना एग्जाम में हो, तब आप एवरेज फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। यू हैव टू कैलकुलेट फॉर पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, मतलब आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि एक Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होगा और जो दो Fe है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री होंगे। ओके, डू यू क्लियर दैट? ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, नंबर 5। सेम हमारे पास हो Pb3O4। ओके, Pb3O4, इन दैट केस आप क्या करोगे? तो यहाँ पे भी हमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, Pb का। तो Pb3O4 यहाँ पे 3x प्लस 4 इंटू माइनस टू इक्वल टू जीरो, 3x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, 3x इक्वल टू 8, दैरफॉर x इक्वल टू 8 बाय 3, विच इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स कि ये जो है वो क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अब एवरेज को हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो एक्चुअल में, तो ये Pb3O4 भी इक्विमोलर मिक्सचर है PbO एंड Pb2O3 का, एग्जैक्ट लाइक Fe3O4। ओके, मतलब यहाँ पे जो Pb प्रेजेंट है उस Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा प्लस टू, और ये जो Pb प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा प्लस 3 प्लस 3। ओके, और इन दोनों के अकॉर्डिंग आ जाएगा उसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 8 बाय 3। इट इज नथिंग बट एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Pb। ओके, क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O8। ओके, H2S2O8 में आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे 2 इंटू प्लस 1 हाइड्रोजन का, एक का प्लस 1, ऐसे दो है,
प्लस दो सल्फर है उसका हमने x सपोज कर लिया, प्लस 8 ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 14, देयरफॉर x इक्वल टू 14 बाय 2 इज इक्वल टू प्लस 7, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो प्लस 6 है। ओके, नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि सल्फर हैविंग मैक्स ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू प्लस 6। ओके, तो अब उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। तो सल्फर 2 है, ओके, और साथ में O8 है। अब देखो यहाँ पे आप जो देख रहे हो उसमें प्लस 7 है, एक की कमी आ रही है, एक ज्यादा आ रहा है, मतलब परोक्साइड लिंकेज तो वहां पे प्रेजेंट ही है, लेकिन अगर साइड में परोक्साइड लिंकेज होती तो कुछ डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो S O O S, ओके, दो ऑक्सीजन आ गए। अब दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑलवेज OH के साथ होंगे, तो OH OH, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए, अभी 4 बाकी है, तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ओके चलो, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करते हैं, तो यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे माइनस 2, यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस 1 ये प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, इन दोनों का 0 0, माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1। ओके, सल्फर के काउंट करो, तो माइनस 1 माइनस सॉरी प्लस 1 प्लस 2 એટલે प्लस 3, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 एंड प्लस 1 प्लस 6। ओके, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 हो गया। इस सल्फर का काउंट करो, तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड प्लस 6, इसका भी हो गया प्लस 6 ऑक्सीडेशन नंबर। आई बात समझ में, मतलब कि आप अगर वो कंपाउंड किस तरह से फॉर्म हो रहा है वो आपको पता हो, या फिर आपको उसका स्ट्रक्चर पता हो, तो आप उसका ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो। आपको जो आंसर मिलेगा उससे आपको पता चल जाएगा ये कि वो रॉन्ग है या राइट है। ओके, लेकिन फिर उसे आपको अगर राइट फाइंड आउट करना है, देन यू हैव टू नो द स्ट्रक्चर फॉर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके, ये सारे सल्फर के ऑक्सो एसिड से यू विल स्टडीड इन दिस ऑल ऑक्सो एसिड इन द 12th स्टैंडर्ड। ओके, तो आपको उसके स्ट्रक्चर तब भी याद हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये जो मैं एक्सेप्शन आपको बता रही हूँ वो सारे याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे जो एक्सेप्शन है वो आते हैं। ऑलवेज याद रखना, जहां भी एक्सेप्शन हो उसे आप अच्छे से याद कर लो। ओके, क्योंकि एग्जाम में एक्सेप्शन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके चलो, एक और देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S4O6। ओके, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करना है, तो 2 इंटू प्लस 1 प्लस 4 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस सॉरी x प्लस 6 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0, therefore 2 plus 4x minus 12 equal to 0, therefore यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x minus 10 equal to 0, 4x equal to 10 and आएगा x equal to 10 by 4 or you can write that 5 by 2, okay, which is not possible again। मतलब कि यहाँ पे चार सल्फर है, तो ये क्या है actually, average ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
सल्फर, लेकिन हमें तो पर्टिकुलरली चार जो सल्फर है उनका ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे फोर सल्फर है, तो फोर सल्फर कैसे आ जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4, 6 ऑक्सीजन है तो, और 2 हाइड्रोजन है तो पहले दे दो OH, OH, अभी भी 4 ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ओके चलो कैलकुलेशन करते हैं उसकी। तो यहाँ पे देखो ये -2 तो ये +2, ये -2 तो ये +2, -1 इसका +1, -1 इसका +1। अगर इस सल्फर की आप कैलकुलेशन करोगे तो +1 +2 +2 टोटल उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5, मतलब ये फर्स्ट सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। इसकी कैलकुलेशन करते हैं सिमिलरली, -2 +2 -2 +2 -1 +1 -1 +1, ओके जितने भी बॉन्ड है उसके अकॉर्डिंग आप वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ उसे रखते जाओ। -1 +1 सिंगल बॉन्ड है तो 1 1 रखना है, डबल बॉन्ड है तो 2 2 रखना है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3 3 रखने हैं। ओके चलो मतलब यहाँ पे काउंट करो तो +1 +2 +2, मतलब इस सल्फर का भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +5। ना बीच के सल्फर की बात करो तो देखो ये जो सिंगल बॉन्ड है वो किसके बीच में है, सल्फर सल्फर मतलब दोनों को मिलेगा 0 0। यहाँ पे देखो तो ये बॉन्ड भी सल्फर सल्फर के तो दोनों को मिलेगा 0 0, ये बॉन्ड भी सल्फर सल्फर के बीच है तो इसको भी मिलेगा 0, इसको भी मिलेगा 0, मतलब ये दोनों जो सल्फर है बीच वाले उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ पे 4 सल्फर है तो 2 सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे +5 +5 और 2 के हो जाएंगे 0 0। ओके तो यहाँ पे अगर आप इसका एवरेज लोगे तो देखो 5 + 5 10, 10 + 0 + 0 10 ही होगा और डिवाइडेड बाय 4, तो यही हुआ था हमारे पास 10/4। ओके मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर ओके इन H2S4O6। तो इसका भी आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे 2 सल्फर के +5 +5 है, 2 के 0 0 है और एवरेज है 10/4। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया है तो आप 10/4 नहीं लिख सकते हो, आपके ऑप्शन में होगा भी नहीं है। अगर MCQ है तो वहां पे नहीं होगा, और MCQ नहीं है तब भी आप 10/4 नहीं लिख सकते हो। यू हैव टू मेंशन दैट के +5 +5 2 के होंगे और 2 के 0 0 होंगे। ओके एक और कंपाउंड ले लेते हैं हम, H2S2O3। ओके उसमें भी आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। चलो 2 हाइड्रोजन का +1, 2 सल्फर का X एंड 3 ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू हो जाएगा 0। देयरफॉर +2 + 2X - 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो तो 2X - 4 इक्वल टू 0, देयरफॉर X = 2X = 4 एंड X = 2 आ जाएगा। चलो अब ये तो लिमिट के अंदर भी है, ओके ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो लिमिट के अंदर भी है, लेकिन 2 सल्फर है मतलब ये है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। अब ये राइट है या रॉन्ग है, दोनों का +2 ही आएगा या फिर कुछ गलत दोनों का डिफरेंट होगा। जब भी आपके पास मोर देन 1 एटम है, ओके सेंट्रल एटम मोर देन 1 है, देन आपको वो फाइंड आउट कर लेना है कि उसका स्ट्रक्चर के थ्रू आपको उसे एक बार वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे +2 है वो उसकी लिमिट के अंदर है, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, होल नंबर भी है प्लस वो उसके पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में से एक है। ओके लेकिन दोनों का सेम होगा और डिफरेंट होगा क्या है वो हम उसके स्ट्रक्चर से ही मालूम कर सकते हैं, तो वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दैट मॉलिक्यूल। ओके चलो अब ये H2S2O8 है उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो देखो ये सल्फर H2 है मतलब एक OH दूसरा
OH. अभी भी थ्री में से दो आ गए तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन रहा. ओके, एक सल्फर रह गया. वो सल्फर कैसे आएगा? तो देखो यहाँ पे सल्फर जो है उसके पास क्या होगा, तो कुछ ऐसे बॉन्ड फॉर्म करेगा. ओके, क्यों? क्योंकि सल्फर के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं. उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सिक्स होते हैं. ओके, यहाँ पे उसने एक यूज कर लिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यानी एक यहाँ पे. तो उसने टोटल चार जो है इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड में यूज किए, लेकिन अभी भी दो इलेक्ट्रॉन बाकी है. तो वो दो इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करने में यूज करेगा. ओके, चलो अब हमें कैलकुलेशन करनी है. तो इसका हो जाएगा माइनस वन, इसका हो जाएगा प्लस वन, इसका माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, माइनस वन सॉरी प्लस वन एंड माइनस वन, यहाँ पे माइनस टू और यहाँ पे प्लस टू. चलो देखो, तो इस सल्फर के साथ क्या हुआ, तो इसके प्लस वन प्लस वन एंड प्लस टू, मतलब इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, और सॉरी इन दोनों के बीच में भी बाकी है ना अभी. तो अब देखो, तो यहाँ पे जो है वो कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड है. एक्चुअली हमने क्या बोला था कि एस एस या कोई भी हमारा होमो एटोमिक कोवेलेंट बॉन्ड हो तो दोनों का क्या कंसीडर करना चाहिए, जीरो जीरो. लेकिन किसके लिए? जब बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो तब. ओके, कब? जब बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो तब. लेकिन यहाँ पे तो ये बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. मतलब जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो जो एक्सेप्टर है, ओके, जो एक्सेप्टर है, जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है हमारे पास, तो जो एक्सेप्टर है उसका चार्ज हो जाएगा माइनस टू. ओके, एक्सेप्टर का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा माइनस टू, और जो डोनर है उसका चार्ज हो जाएगा प्लस टू. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वो अपने दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है. जब भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात होती है, ओके, तो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसका चार्ज हो जाएगा माइनस टू, और ये यहाँ से डोनेट कर रहा है तो उस बॉन्ड के लिए उसका चार्ज हो जाएगा प्लस टू. तो ऑलरेडी उसके पास यहाँ पे प्लस वन है, ये प्लस वन है और ये प्लस टू है. प्लस वन इसके साथ का, प्लस वन इसके साथ का, प्लस टू इसके साथ का, और यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यूज कर रहा है तो उसका भी प्लस टू. तो इसका टोटल कितना हो गया? प्लस सिक्स. और इसका कितना हो जाएगा? तो माइनस टू. और उन दोनों का एवरेज होगा, ओके, तो यहाँ पे जो एवरेज है वो भी ये नहीं होगा प्लस टू, उसका एवरेज भी प्लस फोर होगा. ओके, और ये क्यों चेंज आया? क्योंकि यहाँ पे वन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. तो जब भी आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो, रिमेम्बर दैट जो भी एक्सेप्टर एटम है उसका माइनस टू काउंट करो और जो भी डोनर एटम है उसका प्लस टू काउंट करो. ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन दैट टू कंपाउंड. ओके, ये तो बहुत सिंपल वाला है, यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट. ओके, दो नाइट्रोजन है, आपको उसका फाइंड आउट करना है. चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू नाइट्रोजन है तो 2x प्लस 4 हाइड्रोजन, उसका प्लस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0. ओके, यहाँ पे 2x प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू प्लस 1. ओके, बट यहाँ पे तो हमारे पास दो है. अब दोनों का प्लस वन है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो इससे आप दो चीज़ों में कन्वर्ट, टू पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, NH4 प्लस एंड NO3 माइनस. ओके, इन दोनों से ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है. तो पहले हम यहाँ से N का फाइंड आउट करेंगे और यहाँ से दूसरे N का फाइंड आउट करेंगे. यहाँ से जब फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, नाइट्रोजन का X प्लस
फोर हाइड्रोजन का प्लस वन, और यहाँ पे है इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे लिखना है प्लस वन। देयरफॉर हो जाएगा एक्स प्लस फोर इक्वल टू प्लस वन, देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस वन माइनस फोर, देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो उससे लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो नाइट्रोजन का नेगेटिव आएगा जो कि है माइनस थ्री। ओके, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। अब जो दूसरा है उसका काउंट करते हैं, तो उसके पास जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब उसका तो पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब ये जो मेथड थी वो तो गलत थी। यहाँ पे हमें दोनों का इंडिविजुअली फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो वो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो x प्लस थ्री इंटू माइनस टू इक्वल टू माइनस वन। ओके, चलो x माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस वन, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस वन प्लस सिक्स, फॉर एक्स इक्वल टू प्लस फाइव। तो यहाँ पे हो गया एक्स इक्वल टू प्लस फाइव एंड एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, जो दो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा माइनस थ्री एंड प्लस फाइव। डू यू गेट इट? ओके, ये एवरेज वाला है, एक का प्लस वन तो टोटल तो प्लस टू ही हुआ ना दोनों का एवरेज। ओके, यहाँ पे आप करो माइनस थ्री प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू। ओके, तो प्लस टू डिवाइडेड बाय टू मतलब आ जाएगा वन, तो ये भी हुआ आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे भी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आप लिख सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस सिक्स माइनस टू प्लस फोर, प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू तो प्लस टू ही आएगा। ओके, मतलब ये है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ कैलकुलेशन से जो भी मिलेगा वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, और आपको इंडिविजुअली उसके स्ट्रक्चर के थ्रू पता चल सकता है कि दोनों का एक्चुअल में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे रही हूँ, यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन NaOCl4। ओके, मुझे आपको कमेंट में उसका आंसर भेजना है कि Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट NaOCl4 में कितना होगा। ओके, इफ यू हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक यू कैन कमेंट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।